हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? और आप सभी को आज है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और आप लोग अपने अपने जगहों में कैसे मनाते हैं नाग पंचमी का पूजा? हम लोगों के घर में यहाँ पे होता है, मतलब कटहल के पत्ते में दूध और खोए हम लोग चढ़ाते हैं नाग बाबा को। और पास में ही मंदिर है तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। तो देखती हूँ, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। अगर मेरे साथ कोई गया तो मैं आप लोगों को वहाँ का भी सीन दिखाऊंगी। और तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखिए आज मैं क्या-क्या करती हूँ। घर का पूजा कर लिया है और अभी मंदिर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे इत्तेफाक से, तो मैं उनको लेके जा रही हूँ। चलो ठीक है, चुपचाप था नाले उठे जाबे घूमिया आछे। तो एक पेड़ के नीचे ही इनका स्थान दिया हुआ है, तो ये बहुत विशाल पेड़ है। और देखिए तो ये यहाँ पे मतलब झुक के ही पूजा किया जाता है, अच्छे से खड़े नहीं हो सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है पूजा करने में। फिर भी मैं किसी तरह से कर रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी सब चीज़ चढ़ाऊँगी, दूध खोए कटहल के पत्ते में, जो मैंने बताया ना कटहल के पत्ते में ही हम लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है। वैसे यहाँ पे बहुत लोग मिट्टी के बाटी जैसा मतलब बना रहता है जो, उसमें चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ कटहल के पत्ते में ही। कर लेना अपना। पूजा करके आके मैं नाश्ता करके, हम लोग नाश्ता किए पूजा करके आने के बाद, उसके बाद मैं फिर पूजा के बर्तन तन साफ कर ली हूँ। उसके बाद मैंने सब्जी भी बना लिया है, सब्जी बना के मैंने, और सेवई अभी मेरा बनाना बाकी है, और आटा भी लगा लिया है। तो मैं छानूंगी पूड़ी और सब्जी और सेवई। आज हम लोग के यहाँ चावल नहीं बनता है, इसलिए दोपहर के खाने में आज हम लोगों के घर में नियम है, जो मेरी सासू माँ बताती है कि हम लोगों के घर में आज पूरी ही बनता है, चावल नहीं बनता है। तो मैं आज पूरी बना रही हूँ और देखिए मैं अभी पूरी बनाऊंगी। मैं दिखा रही हूँ, मैंने सब्जी बना लिया है। तो ये देखिए, ये मैं बनाई हूँ आलू और कोहरा का सब्जी। ये पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और अभी मैं बनाऊंगी इधर सेवई। तो अभी दूध उबल गए हैं और मैं इसमें डालूंगी सेवई, ये मैंने पहले से ही भून के रखा है। तो ये देखिए दूध उबल गया और मैं डाल दी इसमें सेवई भुनी हुई। इधर मैंने लगा के रखा है आटा, और हाँ बैगन भी फ्राई करूंगी।
इसके लिए मैंने बैगन भी काट के रखा है। मैं यहाँ पे नमक हल्दी डाल के बैगन को रखूँगी थोड़ी देर के लिए, तो वही मैं डाल रही हूँ। नमक हल्दी डाल के कुछ देर के लिए रख देने से बैगन के अंदर नमक चले जाता है, तो फिर वो अच्छा लगता है फ्राई कर देने से। और हाँ, जब मैं उसे डालती हूँ नमक हल्दी, तभी मैं थोड़ा सा बेसन भी डाल देती हूँ उसमें, तो वो तेल ज़्यादा नहीं लेता है। और लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दूँगी बैगन को, और इधर मैं थोड़ा पूरी तलूँगी। उसके बाद खाने के टाइम में फटाफट मैं उसको तल दूँगी बैगन को गरम गरम, तो बहुत अच्छा लगता है पूरी या रोटी के साथ में। ये मैं अभी डाल रही हूँ इसमें चीनी, चले ये भुने पर हो गया है, बन गया है लगभग। दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये देखिए। इसमें अभी मैंने डाला ये टेस्ट मेकर जो सेवई में आता है, तो ये देखिए सेवई का टेस्ट भी बहुत बढ़ा देता है और कलर भी इसका काफ़ी खूबसूरत कर देता है। तो ऑलमोस्ट अब बनने पे है सेवई। मैंने आटा पहले ही लगा के रखा था, पूरी के आटे को कुछ देर पहले लगा के रखने से पूरी बहुत फूलती है, अच्छी बनती है। तो अभी मैं आटा हल्का मिक्स कर लूँगी और अभी बनाऊँगी मैं पूरी। तो देखिए पूरी कितनी अच्छी बनी है मेरी, पूरी अच्छे से फूल गई है और सॉफ्ट। मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो पहले मैं उसे निकाल देती हूँ चूल्हे के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके, और फिर मैं उसे गाय को खिला देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पूरी सब्जी और सेवई निकाल दिया है, गैस पे रख दिया है, उसके बाद मैं सबको खाना दूँगी। तो देखिए आज के दोपहर का लंच है हम लोगों का नागपंचमी के अवसर पर, पूरी सेवई और यहाँ पे है कोहरा आलू की सब्जी और बैंगन का भाजा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से मनाते हैं नागपंचमी का पूजा। तो आज पूरा जो जो मैंने किया है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और मेरे चैनल को जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए जो भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग पूरा एंजॉय कर सके मेरे वीडियो का। लोग रखिए अपना ख्याल, और अपने किस तरह से मना रहे नागपंचमी का पूजा तो बताए कमेंट में। और मैं आप लोगों को कह रही हूँ बाय बाय, थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के।